जब मॉरल साइंस में चैप्टर 10 पढ़ेंगे उसका नेम है भूल मेरी थी। देखिए मैं इसकी पिक्चर दिखाऊं, यहाँ पर एक पेड़ दिया है बड़ा सा और यहाँ पर एक आदमी है और यहाँ पर कद्दू लगे हुए हैं और इस पेड़ में खूब सारे फल हैं। चलिए पढ़ते हैं इस कहानी में कि ये किस चीज़ का पेड़ है, ओके, और इस आदमी का नेम क्या है। जून का महीना था, किसका महीना, महीना था और दोपहर का समय। जून के महीने में आपको पता है कितनी गर्मी होती है और दोपहर में तो बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है। चलिए आगे क्या दिया है, रामकिशन चिलचिलाती धूप में शहर की ओर जा रहा था। तो इस आदमी का नेम हमें पता चल गया, इस आदमी का नेम क्या है, रामकिशन, और ये चिलचिलाती धूप में, चिलचिलाती धूप होती है मतलब बहुत तेज़ धूप पड़ती है, वो कहाँ जा रहा था, दोपहर में एक शहर जा रहा था। क्या दिया है आगे, गर्मी के मारे उसका बुरा हाल था, और गर्मी के मारे उसका कैसा हाल था, बहुत बुरा हाल था। गर्मी में हमें भी कितनी गर्मी लगती है और हमारा हाल भी बहुत बुरा हो जाता है। आगे है, वह किसी छायादार वृक्ष के नीचे आराम करना चाहता था और वो चलते चलते थक गया था, तो वो एक वृक्ष के नीचे आराम करना चाह रहा था। चलते चलते रामकिशन को एक बरगद का पेड़ दिखाई दिया। चलते चलते उसे किसका पेड़ दिखाई दिया, बरगद का। तो देखिए हमें पता चल गया ना ये पेड़ किसका है, बरगद का पेड़ है। और आपको पता है बरगद का पेड़ राष्ट्रीय पेड़ भी होता है, मतलब राष्ट्रीय पेड़ कहलाता है। आगे है, वह पेड़ घना और छायादार था। और जो बरगद का पेड़ था देखिए कितना घना है और घना होगा तो ऑब्वियसली छायादार भी होगा, ओके। तो उसे वो बरगद का पेड़ दिख गया। आगे क्या होता है, रामकिशन उस पेड़ के नीचे लेटकर आराम करने लगा, और रामकिशन उस पेड़ के नीचे लेट गया और आराम करने लगा, क्योंकि वो चलते चलते शहर जाएंगे तो थक जाएंगे ना, शहर तो गांव से दूर होता है, तो इसलिए वो चलते चलते थक गया था और पेड़ के नीचे आराम करने लगा। आगे क्या होता है, रामकिशन ने इधर उधर देखा, जब वो पेड़ के नीचे लेटा आराम करने को लेटा तो उसे इधर उधर क्या दिखाई दिया, देखते हैं आगे, तो उसे एक खेत दिखाई दिया, उसे एक खेत दिखाई दिया। खेत में कद्दू लगे हुए थे, और खेत में क्या लगे हुए थे, कद्दू लगे हुए थे। तो देखिए कद्दू दिखाऊं मैं आपको, उधर भी मैंने दिखाए थे कद्दू लगे हुए थे, तो देखिए यहाँ भी कद्दू लगे हुए हैं। बरगद के बड़े पेड़ की ओर देखा, रामकिशन ने पेड़ की ओर देखा। आगे है, बरगद पर ढेरों फल लगे थे, और बरगद पर क्या लगे थे, फल लगे हुए थे बहुत सारे। तो देखिए ये पेड़ है बरगद का और उसको फल छोटे छोटे लगे हैं। आगे है, वे फल छोटे छोटे थे, तो वो फल छोटे छोटे हैं पेड़ पर, बरगद का पेड़ इतना बड़ा है उसमें फल कितने कितने से हैं। आगे, रामकिशन बरगद के फलों की ओर देखता रहा, और रामकिशन उन फलों को देखता रहा। आगे है, अचानक उसके मुंह से निकला, और अचानक उसके मुंह से निकला, वाह रे परमात्मा तुम्हारा भी जवाब नहीं। तो उसके मुंह से ऐसा क्यों निकला, आगे देखते हैं, इतने बड़े पेड़ पर इतनी मोटी मोटी डालियाँ लगाई, और जो बरगद का पेड़ है उस पर परमात्मा ने इतनी बड़ी बड़ी डालियाँ लगाई हैं। तो वो ये सोच रहा था और बोल रहा था, उन डालियों पर तुमने इतने छोटे छोटे फल लगाए, वो ये सोच रहा था, अपने आप से बोल रहा था कि इतना बड़ा पेड़ है और उस पर फल परमात्मा ने इतने छोटे छोटे क्यों लगाए हैं। और उधर पतली सी बेल पर बड़े बड़े कद्दू लगा दिए, और देखिए यहाँ पर क्या है, बेल है और इस पर इतने बड़े बड़े कद्दू हैं। उसका ये कहना था कि परमात्मा ने कैसा बनाया है इस पेड़ को कि इतना बड़ा पेड़ है मगर उस पर फल इतने छोटे छोटे हैं, और ये जो बेल है वो बेल तो इतनी छोटी सी है और उस पर इतने बड़े बड़े कद्दू लगा दिए हैं। ओके बच्चों, आगे है, शायद तुमसे कोई भूल हुई होगी वरना कद्दू लटकता इस पेड़ पर और बरगद का फल लगता उस कमज़ोर बेल पर।
तो वो तो ईश्वर की बनाई चीज में कमी निकाल रहा था, तो क्या वो ठीक कर रहा था? ईश्वर तो जो भी करते हैं वो सोच समझ के करते हैं, उनकी बनाई चीजों में कैसे कमी हो सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रामकिशन की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि बरगद का एक फल टपककर ठीक उसकी नाप पर आ गिरा। और रामकिशन बोल रहा था, तभी बोलते हुए उसकी नाक पर बरगद से एक फल गिरा। फिर क्या होता है, वह दर्द से तड़प गया और उसके दर्द होने लगा, उसकी नाक पर दर्द होने लगा। जैसे हमारे कोई चीज़ गिरती है या हमारे लगती है तो हमारे दर्द होता है, तो वैसे ही उसके दर्द हो रहा था। वह दर्द कम करने के लिए नाक मलने लगा, और दर्द कम करने के लिए क्या करने लगा, वो अपनी नाक मलने लगा कि उसका दर्द कम हो जाए। जैसे हमारे कहीं चोट लगती है तो हम उस जगह को हल्के हाथ मलते हैं कि हमारा दर्द दूर हो जाए, मतलब थोड़ा कम हो जाए। आगे है, जब नाक मलते मलते तड़प कुछ कम हुई, जब वो नाक मल रहा था तो उसकी तकलीफ थोड़ी कम हो गई थी, तो रामकिशन आकाश की ओर हाथ जोड़ते हुए बोला। जब उसकी नाक में थोड़ी तकलीफ कम हो गई तो वो आकाश की तरफ हाथ जोड़ रहा था। हे परमात्मा, हे परमपिता परमात्मा, और वो हाथ जोड़कर बोल रहा था, हे परमपिता परमात्मा, वो गॉड से बोल रहा था, भूल तुमसे नहीं। वो क्या बोल रहा था, भूल तुमसे नहीं मुझसे हुई है, मैंने ऐसा कहा। वो गॉड से माफ़ी मांग रहा था कि मैंने, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था कि पेड़ पर कद्दू लटकता और बेल पर फल, तो मैंने जो बोला गलत बोला। आज ये कद्दू मेरी नाक पर गिरा होता तो पता नहीं मेरी क्या हालत होती। और वो बोल रहा कि अगर कद्दू मेरी नाक पर गिरा होता तो मेरी नाक की क्या हालत होती। वो फल, छोटा फल मेरी नाक पर गिरा तो मेरी इतनी लगी है, अगर वो बड़ा फल मेरी नाक पर लगा होता, गिरा होता, तो मेरा क्या हाल होता। तो बच्चों, आपको कहानी कैसी लगी, तो हमें इससे क्या शिक्षा मिलती है? कहानी शिक्षा, हमें दूसरों में कमी नहीं निकालना चाहिए। तो हमें इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है कि हमें दूसरों में कमी निकालना नहीं चाहिए, जो जैसा है वैसा ही सही है। हमें ईश्वर की बनाई चीज़ों में कभी भी गलती नहीं निकालना चाहिए, जो ईश्वर करते हैं वो बिल्कुल ठीक करते हैं। ओके बच्चों, टेक केयर, बाय बाय।